नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। रीवा जिले के मऊगंज से सनसनीखेज मामले का मऊगंज पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें मऊगंज नगर के वार्ड क्रमांक 10 घुरेटा में दबिश देकर मानव तस्करी की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसका एक अन्य साथी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मऊगंज थाना क्षेत्र निवासी वर्ष 2018 में गुम हुई किशोरी को पुलिस ने एक दिन पूर्व ढूंढा था, जिसका न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया, जिसमें किशोरी ने एक बड़ा खुलासा किया। किशोरी ने बताया कि घुरेटा वार्ड क्रमांक 10 निवासी महिला सीता साकेत अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर उसे बहला फुसलाकर दमोह जिले के गुड़ा ले गई, जहां के निवासी विक्रम अहिरवार के हाथों उसे 70,000 में बेच दिया गया, जहां एक कमरे में बंद कर किशोरी के साथ शारीरिक शोषण किया गया। इसके बाद आरोपी दोबारा दूसरों के हाथों में बेचने की तैयारी कर रहे थे, तभी मौका देखते ही किशोरी भाग निकली और दूसरे गांव जाकर मजदूरी करने लगी। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस महिला से मानव तस्करी से जुड़े अन्य मामलों की भी पूछताछ कर रही है। ये थाना मऊगंज क्षेत्र का वर्ष 2018 में फरियादिया ने रिपोर्ट की थी कि इसकी नाबालिग लड़की घर से निकली थी, जो कि शाम तक वापस नहीं आई। दो तीन दिन तलाश करने के बाद में जब नहीं मिली तो ये थाने में रिपोर्ट करने आई थी, और थाने में रिपोर्ट पंजीबद्ध कर इसकी लगातार विवेचना की जा रही थी, तो लड़की का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद में साइबर सेल की मदद से और विश्वसनीय मुखबिर सूचना तंत्र को लगाया गया, तब जानकारी मिली कि ये बिटिया है जो मिल गई है। और मिलने के बाद में जब मैंने उसका पूरा स्टेटमेंट लिया और न्यायालय में उसके कथन कराए गए, तब उसने पूरी घटना बताई कि वो करीबन 4-5 साल पहले शाम को घर पे अकेली थी। तब उसके ही घर की रहने वाली घर के पास में रहने वाली चाची, जिसका नाम उसने सीता साकेत बताया था, वो उसके घर आई और बोली कि मार्केट चल रहा है। मार्केट चलने का बोल के उसको मोगन बाजार लेके आई और सामान वामान खरीदने के बाद में उसको चाट खिलाई, पानी पिलाई। उसके बाद में पानी पीने के बाद में उसने ये बताया कि मुझे होश नहीं रहा कि मेरे साथ में क्या हुआ। फिर जब वो उसको होश आया और उसने देखा कि वो एक बंद कमरे में है और वहाँ पे एक आदमी है, और उस आदमी से जब वो रोकर पूछने लगी कि मैं यहाँ कैसे आई, मुझे कौन लेके आया, तब उसने ये बताया कि तुम्हारे चाची और गांव का रहने वाला गुलशेर जो है, उसने तुमको मुझे 70,000 रुपये में बेच दिया है। और फिर उसने बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, तब उसने उसको नहीं छोड़ा और करीबन 1 वर्ष तक वो उसके पास में रही। उसी दौरान वो उसको मारता पीटता और उसका शारीरिक रूप से शोषण करता था, तो काफ़ी परेशान और हताश होकर उसने 1 वर्ष का समय उसके साथ में व्यतीत किया। और जब उसको ये जानकारी मिली कि वो आदमी जो वहाँ रहता था, उसका नाम उसने विक्रम साकेत बताया, जो दमोह जिले से बिलोंग करता है, तो वो मौका देखकर वहाँ से किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग गई। और वहीं दमोह जिले के ही दूसरे गांव में वो जीवन यापन करने लगी, मजदूरी करने लगी, और उसको एक लड़का मिला, ओमकार पटेल नाम है जिसका, तो उसको उसने पूरी व्यथा सुनाई। व्यथा सुनाने के बाद में उसने उसका काफ़ी मदद किया और उसके घर का पता लगाकर कि वो कहाँ की है, कैसी है, पूरी जानकारी निकालने के बाद में फिर उसको पहुँचाया। और पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो हमने एक विशेष टीम बनाकर उसको दस्तियाब किया और उसका एक आरोपी, इसमें महिला आरोपिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है, और शेष दो आरोपियों की पता तलाश कर रहे हैं, जो शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।